आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। एक्टर सुशांत सिंह की मौत पर चल रही जांच अब किसी नतीजे पर पहुंचने के बजाय एक तमाशा बनती जा रही है। मुंबई पुलिस और पटना पुलिस दोनों के बीच अधिकार क्षेत्र की रस्साकशी, महाराष्ट्र बनाम बिहार का सियासी रंग लेती जा रही है। आज खुद सीएम नीतीश कुमार को इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी है। सवाल उठ रहे हैं कि जांच के नाम पर जब अहम की लड़ाई और सियासत चल रही हो तो फिर ऐसी जांच का अंजाम क्या निकलेगा। हल्ला बोल में इसी पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार को एतराज है। ये बिहार का कोई पुलिस का या हम लोगों का कोई रोल नहीं है, सीबीआई की बात करें। बिहार पुलिस को एतराज है। हम क्यों सीबीआई की बात करेंगे, हमें सीबीआई से क्या लेना देना। सुशांत सिंह के परिवार को भी एतराज है। सुशांत के लिए इंसाफ मांगने वाले हर शख्स को मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के रवैये पर एतराज है। चाहे वो मुंबई पुलिस की अपनी जांच हो या फिर केस की जांच करने मुंबई पहुंची बिहार पुलिस को लेकर उसका रुख हो। नौबत ये आ गई कि खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जुबान खोलनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभाने गई बिहार पुलिस को मुंबई में सहयोग नहीं मिल रहा है। क्या महाराष्ट्र सरकार से बातचीत करेंगे? भाई इतना बात हो गया, इसके बाद इसमें करना चाहिए उनको कोऑपरेट करना चाहिए। और ये पूरी केस कर दिया कि बिहार की पुलिस का नहीं रोल, बिहार की पुलिस का बिल्कुल लीगल रोल है। अगर एफआईआर दर्ज होगा तो बिहार पुलिस को करना है जी। और ये ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है। तो ऐसी स्थिति में तो जहां कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग गए हैं तो मदद करनी चाहिए लोगों को, ये सबका ड्यूटी है। शुक्रवार रात बिहार पुलिस की टीम के साथ जो सुलूक हुआ उससे मुंबई पुलिस पर एतराज अविश्वास में तब्दील होने लगा है। बिहार पुलिस की टीम को वैन में इस तरह से बिठाकर ले जाना पूरे बिहार के पुलिस कर्मियों को बेहद नागवार गुजर रहा है। जिस तरह से पुलिस कर्मी वहां पर ऑटो पर घूम रहे हैं, वहां के पुलिस कर्मियों को वहां की पुलिस के सहयोग नहीं कर रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की खाकी एक है और सारे खाकी का एक कर्तव्य बनता है कि खाकी का सहयोग सपोर्ट करे। बिहार में मुंबई पुलिस के साथ ही देश की अन्य पुलिस आती है, हम लोग हर बिंदु पर सहयोग और सपोर्ट करते हैं, गाड़ी की व्यवस्था करते हैं, साथ ही अगर आवश्यकता पड़ी तो ठहरने की व्यवस्था करते हैं। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद इसे शांत करने की कोशिश भी शुरू हो गई। बिहार के डीजीपी अब कह रहे हैं कि कल जो हुआ उसका गलत मतलब निकाला गया। कुछ शुरू में हमको कठिनाइयां बहुत हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कल जो शाम को डीसीपी के साथ मीटिंग हुई है उसके बाद इस बात की उम्मीद बढ़ी है कि हमें सहयोग मिलना चाहिए। उधर मुंबई में बिहार पुलिस की टीम भी कहने लगी है कि उसे मुंबई पुलिस का सहयोग मिल रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है खुद समझिए। मुंबई पुलिस अभी तक ये तय नहीं कर पाई कि उसे बिहार पुलिस का सहयोग करना चाहिए या नहीं। बिहार पुलिस के सहयोग के मुद्दे पर मुंबई पुलिस कानूनी सलाह ले रही है। मुंबई पुलिस की राय है कि बिहार पुलिस का इस मामले में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। जब तक कोर्ट से आदेश नहीं आता तब तक बिहार पुलिस को कोई दस्तावेज नहीं दिए जाएंगे। अभी तक मुंबई पुलिस ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। हमारी मुंबई पुलिस बिहार पुलिस की जो रिक्वेस्ट आई है वो हम इसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेंगे, क्योंकि दूसरी स्टेट के पुलिस को हमारी स्टेट में ऐसा जांच करना लीगली पॉसिबल है क्या? आलम यह है कि बिहार पुलिस अभी तक 5 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उसे अभी सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं मिली है। हालात संभालने के लिए कल यानी रविवार को बिहार से कुछ सीनियर पुलिस अफसर मुंबई पहुंचने वाले हैं। जांच के नाम पर मची इस सिर फुटव्वल के बीच सुशांत की बहन श्वेता ने सीधे प्रधानमंत्री से गुहार लगा दी है। मुझे उम्मीद है कि आप सच के साथ खड़े होंगे। हम बेहद साधारण परिवार से हैं। मेरे भाई का कोई गॉडफादर नहीं था, ना ही अब हमारा कोई गॉडफादर है। हमारी अपील है कि आप मामले में दखल दें, सुनिश्चित करें कि जांच साफ सुथरे तरीके से हो, सबूतों से छेड़छाड़ ना हो। उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। सीबीआई जांच की मांग के जोर पकड़ने के बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि इस मामले को बिहार बनाम महाराष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही है। लेकिन जमीनी हालात देखकर तो यही लग रहा है उद्धव काफी लेट हो गए। अगर वाकई कोई साजिश थी तो वो परवान चढ़ने लगी है। मुंबई से सुजीत झा, साहिल जोशी और पटना से रोहित सिंह के साथ
आज तक ब्यूरो। क्या राज्यों की राजनीति में फंस चुकी है एक एक्टर की मौत? सवाल बार बार ये भी उठ रहे हैं कि जांच के नाम पर जब अहम की लड़ाई और सियासत चल रही हो तो फिर इसका अंजाम क्या निकलेगा, यह भी से समझा जा सकता है। और इसी पर चर्चा के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हल्ला बोल का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ वरिष्ठ वकील सुजय कांटावाला इस वक्त जुड़े हुए हैं, अतुल भटकालकर जो कि बीजेपी के एमएलए हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आकाशदीप डायरेक्टर फिल्म निर्देशक हमारे साथ मौजूद हैं, पीके जैन साहब जो कि फॉर्मर बीएनसी कमिश्नर हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। स्वाति आनंद एक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, करुणा नंदी वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और साथ ही बिहार गवर्नमेंट के मंत्री जय कुमार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जय कुमार सिंह जी, शुरुआत में आपसे ही करते हुए, चूंकि बिहार पुलिस पूरे मामले पर लगातार एक्शन में है, कई लोगों से पूछताछ भी की गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब पिता की ओर से सीधे शक रिया चक्रवर्ती पर ही जाहिर करते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है, तो अब तक आपकी पुलिस ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ क्यों नहीं की है? चिताजी, तो पहली नजर में ही होना चाहिए, जब उनके परिजन ने बहुत दिनों तक इंतजार किया और महाराष्ट्र पुलिस पर बहुत भरोसा रखा, लेकिन जांच जो दूसरी डायरेक्शन में जाने लगी, बड़े बड़े डायरेक्टर को प्रोड्यूसर को करने लगा, उनको आहत हुए और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से संपर्क करने के बाद एफआईआर हुई और पुलिस टीम जब गई है, तो ये तो पहले ही महाराष्ट्र पुलिस को भी चाहिए था कि पहली नज़र में हम लोग तो संपर्क नहीं, बिल्कुल देखिए फर्स्ट नज़र में ये दिखा जब हमारे बिहार के पुलिस वहाँ जांच के लिए गए हैं, वहाँ आपके सहयोग करने की आवश्यकता थी, आप कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि जबरदस्ती आप भान में बैठा करके आप अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिए, तो ये तो स्पष्ट है कि पुलिस की रवैया वहाँ ठीक नहीं है, उनके परिजन भी महाराष्ट्र पुलिस से भरोसा उठ गई है। ऐसे में बिहार में जो केसेस हुए हैं उसमें सहयोग करने की आवश्यकता है, सही डायरेक्शन में बिहार की पुलिस उसकी जांच कर रही है, अभी तक जो जो उनके करीब में रहे हैं उससे वो पूछताछ जारी की है, और कुछ बातें जो दो दिन में छन करके आई है, तो यह स्पष्ट हुआ है कि जो परिजन जिन बातों को आरोप लगा रहे हैं उनकी खाता खंगालने के बाद रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द ही इस केस को घूम रहा है, ये महज एक सुसाइडल केस तो यही नहीं तो सवाल है। जय कुमार सिंह जी, जब रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द ही पूरा मामला घूम रहा है तो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? और ईडी ने बिहार सरकार से भी पूरे मामले की जानकारी मांगी है, क्या आप लोगों की ओर से प्रोवाइड किया गया है? क्योंकि भारी लेन देन का भी मामला अब कहीं ना कहीं एक दूसरी कड़ी से जुड़ता हुआ चला जा रहा है पूरे मामले पर। देखिए, ये उनके परिजन ने तभी निराशा हुई महाराष्ट्र पुलिस पर और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री के बाद मिल करके ये एफआईआर हुआ, और अब सही डायरेक्शन में जब जांच हो रही है तो महाराष्ट्र की पुलिस को नगवार गुजर रही है, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है, हम तो भी बैठे हैं एक न्याय दिलाने के लिए, ये सुशांत एक साधारण व्यक्ति नहीं है, जो देश के लाखों करोड़ों लोग आज सुशांत के लिए डिमांड कर रहे हैं, उसकी रहस्यमयी जो घटना हुई है उसकी उजागर होना चाहते हैं, उसकी कंस्पिरेसी को जानना चाहते हैं, ऐसे में बिल्कुल सहयोग करनी चाहिए थी, और हमारी सरकार तो यहाँ तक कही है कि हमारी पुलिस बिल्कुल जांच करेगी, सही डायरेक्शन में जांच करेगी, लेकिन बावजूद भी यदि उनके परिजन को लगेगा कि नहीं ये जाँच में हम नहीं सफिशियंट है, तो यदि वो मांग करेगी सीबीआई को तो सीबीआई जांच भी कराई जाएगी। हमारे यानी कि आप लोग सुशांत के पिता और उनके परिवार वालों की ओर से जब तक हम सीबीआई जांच की मांग नहीं की जाती है तब तक आपकी ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश फिलहाल नहीं की जाएगी। जय कुमार जी, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहिए, चूंकि देश के कई जाने माने लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाना जरूरी हो जाता है। आपने जो सवाल खड़े किए हैं पीके जैन साहब, मैं आपके पास आते हुए, सीधे सीधे बिहार सरकार के मंत्री हैं जय कुमार सिंह, उनका सीधा आरोप है कि महाराष्ट्र पुलिस बिहार पुलिस को कतई सहयोग नहीं कर रही है मुंबई में, इसी वजह से जांच शायद सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है। आखिर क्या है जो महाराष्ट्र की पुलिस मुंबई की पुलिस छिपाना चाहती है, क्यों सहयोग नहीं किया जा रहा है दूसरे राज्य की पुलिस को? देखिए, ये महानुभाव बिहार सरकार के मंत्री हैं, एक्सपीरियंस पर्सन है, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन शायद उनको लॉ का ज्ञान नहीं है। जिस ऑफेंस का कॉज ऑफ एक्शन मुंबई में हुआ, सारे घटनाक्रम सब मुंबई में हुआ, उस केस में बिहार में एफआईआर दाखिल करके इलीगली उसको टीम को महाराष्ट्र में भेजना उचित नहीं था। उनका
कर्तव्य बनता था कि जब उनके पास में कंप्लेंट आई, जो कि कंप्लेंट पहले कभी भी मुंबई पुलिस के पास में नहीं की गई, वो कंप्लेंट उन्होंने वहां पे लेके उसका एफआईआर दाखिल किया, उसको जीरो नंबर से दाखिल करके महाराष्ट्र पुलिस को भेज देना चाहिए था ताकि प्रॉपरली यहाँ पे की जा सकती। अब उन्होंने इसके साथ एंगल ला दिए कि पहले प्रोडक्शन हाउसेज के ऊपर था, वहां से छोड़ के अब उन्होंने अबेटमेंट टू सुसाइड, सुशांत के घर में चोरी, उसके पैसे का अपव्यवहार, इस तरह के सेक्शन उसमें लगा रखे हैं, 341-42 लगा रखा है, जिसका मतलब है कि सुशांत सिंह को जबरदस्ती रोका जाता था। अब सुशांत सिंह जैसा व्यक्ति जो कि हेल्दी था, मानसिक तरीके से सजग था, उस व्यक्ति को कोई जबरदस्ती रोकेगा ये बिल्कुल बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। और बाकी उनका जो पैसा था वो उनके जीवन काल में दिया उन्होंने रिया चक्रवर्ती को, अगर दिया भी, बाकी वो सब जांच का विषय है, लेकिन जो भी पैसा दिया गया उनके जीवन काल में दिया गया, जब उस व्यक्ति ने खुद कोई कंप्लेंट नहीं की रिया चक्रवर्ती या उसके परिवार के खिलाफ, तो आज उसकी मृत्यु के बाद में वो सारी चीजों को फोकस में लाना सही नहीं है, और लाना भी था तो मुंबई पुलिस के संज्ञान में लाते ताकि जांच उसकी व्यवस्थित तरीके से बढ़ती। ठीक है। अब हो क्या गया कि वहां पे एफआईआर दाखिल हो गई, एफआईआर को क्वाज करने का तरीका जो माध्यम है वो सिर्फ, अब मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जांच बिहार पुलिस करेगी या मुंबई पुलिस करेगी, या सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को ये भी अधिकार है कि वो इसकी जांच सीबीआई को दे सकती है, जो भी 5 अगस्त को इसका निर्णय आएगा उसके आधार पर आगे जांच बढ़ेगी। मुंबई पुलिस की अपनी साख का प्रश्न है, मुंबई पुलिस एक रिस्पेक्टेड पुलिस फोर्स है, उनको लगता है कि जब उनकी जांच वो ईमानदारी के साथ कोई जांच कर रहे हैं, उस जांच में दूसरे व्यक्ति ने गलत एफआईआर दाखिल करके फिर उसमें उसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश की, जो कि उनको अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए शायद उन्होंने अभी तक कागज वगैरह हैंडओवर नहीं किए। जयंत साहब, आपने कहा कि मुंबई पुलिस की बहुत साख है, सुप्रीम कोर्ट वो बहुत अनुशासन से काम करती है, इन्वेस्टिगेशन बिहार, तो क्या बिहार पुलिस अनुशासन से काम नहीं करती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, आपने कहा मुंबई पुलिस की बहुत साख है, बहुत अनुशासन से काम करना चाहती है, वो कैपेबल है, तो क्या बिहार पुलिस ऐसा नहीं करती है? ये बिहार पुलिस ने एफआईआर दाखिल कर लिया, 43 दिन शांत के पिताजी ने एफआईआर लिख, बजाय मुंबई पुलिस को बताने के कि क्या घटनाक्रम हुआ था, उनकी क्या तकरार है, वो बताने के बजाय उन्होंने बिहार पुलिस में जाकर एफआईआर दाखिल करवा दिया, और बिहार पुलिस ने दाखिल भी कर लिया। तो जब एक प्रोफेशनली बिहेव नहीं किया एक पर्टिकुलर स्टेट की पुलिस ने, तो दूसरी पुलिस से क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? जय कुमार सिंह जी, जवाब दीजिए। स्वाति में तुरंत आती है, महाराष्ट्र की टीम कोई बिहार में जाती है, बिहार की टीम महाराष्ट्र में आती है, ये कोई पहला केस नहीं है, हमेशा सहयोग दिया जाता है, लेकिन इस केस में एक गलत एफआईआर दाखिल की गई, इसलिए जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा मुंबई पुलिस उनको दस्तावेज हैंडओवर नहीं करेगी, ऐसा मुझे लगता है। क्या गलत एफआईआर दर्ज की गई है जय कुमार सिंह जी? और जिस तरह से पूरे प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था, जब एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस से सहयोग चाहती है, तो उसका पालन आप लोगों की ओर से नहीं किया गया, ये सीधे आरोप है। हम लोग बिल्कुल सही किया गया है, 40 दिनों तक उनके परिजन ने देखा, 40 दिनों तक इंतजार दिया, और 40 दिनों के अंदर किसी प्रकार की यदि कैसी जांच हो रही है और किस प्रकार की, जब सोसाइटल ही साफ है, तो 40 दिनों तक किस प्रकार की जांच हो रही है? सरकार की क्या दायित्व होता है? सरकार के सामने, सरकार के सामने उनके परिजन यदि कह रहा है कि नहीं हमारे साथ कंस्पिरेसी हुई है और हमारे साथ इस प्रकार का हुआ है, तो क्या हाथ रखकर सरकार बैठी रहेगी? हम ये पहला चीज है, बिहार ये पहला, महाराष्ट्र की पुलिस या कर्नाटका की पुलिस या कहीं के पुलिस हमारे यहाँ भी आते हैं, कोई उसका सहयोग करते हैं? ये महानुभाव सुनिए, इसको ईगो 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 में नहीं जाना है, हम ईगो की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेस्टीज इशू की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी सरकार और हम लोग आज भी उसको न्याय की बात कर रहे हैं, और इसके कोई प्रेस्टीज इशू, महाराष्ट्र सरकार की पुलिस प्रशासन की साख गिर गई, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रहा हूँ कि मैंने उसका साख गिर गया, अरे भाई साख की बात नहीं है, लेकिन उसकी परिजन सुशांत की मौत हुई है और कहता है कि सुसाइडल केस नहीं है, ये कंस्पिरेसी है। यदि ये कंस्पिरेसी है तो क्या करेंगे हम? हाथ पांव लेके बैठे रहेंगे? हम एफआईआर नहीं कराएंगे? यदि उसके पास बिहार सरकार के मुखिया के पास जा रहा है, आज ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम आज भी, अभी भी हमारे डीजीपी का भी बयान हुआ है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है वहां का डीजीपी को कि भाई सहयोग करें, आप इसमें हमारे न्याय करने की यदि मानसिकता बन जाएगी
तो हमें ये चीजें नहीं निकालनी पड़ेगी कि गलत हो गया है। सर लेकिन ये दोनों ही राज्यों की और दोनों ही पुलिस की जिम्मेदारी है ताकि न्याय को सामने रखा जाए और इस तरह की आपसी तू तू मैं की बहस में कहीं ऐसा न हो कि टाइम बीतता जाए। जयकुमार सिंह जी आपके लिए भी है और मुंबई पुलिस के लिए भी है। सुशांत की मामला दबेगा नहीं, सुशांत पर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। सुशांत की मामले में लाखों करोड़ों जनता की जो डिमांड है उसके अनुरूप एक्शन ली जाएगी और ये चुप और ठंडे बस्ते में पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, स्वाध्याय आपको लगता है कि ऐसे में जो सच है वो सामने आ पाएगा? क्योंकि जब दो राज्यों की सरकारें या दो राज्यों की पुलिस ही आपस में सहयोग एक केस को लेकर नहीं करेंगी तो सच इस देश के सामने कैसे आएगा? स्वाति आनंद जी बिल्कुल सही, जैन साहब कह रहे थे कि दूसरे व्यक्ति ने गलत एफआईआर दर्ज की। दूसरा व्यक्ति कौन? वो सुशांत के पिताजी हैं और उन्होंने वेट किया 45 डेज का। और आप उनकी मनस्थिति समझिए सर, उनकी मनस्थिति, उन्होंने अपने बेटे को खोया है, उन्होंने वेट किया, वो अपनी अपनी ट्रॉमा से, मेंटल ट्रॉमा से, जो कोई इमोशनल ट्रॉमा था उससे बाहर निकले। उन्होंने अपने तथ्य इकट्ठे किए क्योंकि वो वेट कर रहे थे मुंबई पुलिस का कि मुंबई पुलिस 45 दिन में रिया चक्रवर्ती से जब मुंबई पुलिस ने पूछताछ की तो उसमें उन्होंने ये नहीं पूछा उनसे, बैंक स्टेटमेंट उनके नहीं मांगे। कैसे आज 3 दिन में ही ये बात पता चली कि बिहार पुलिस द्वारा कि उस रिया चक्रवर्ती ने 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर की हैं? ये पिता ने आरोप लगाया है, एविडेंस है कि सुशांत के पिता की ओर से जिस तरह से आरोप लगाते हुए एफआईआर स्वाति दर्ज कराई गई है। करुणा नंदी जी अब मैं आपके पास आते हुए, चूंकि रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द ही पूरा मामला घूम रहा है लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि अब तक जिन 5 से 6 लोगों से पूछताछ बिहार की पुलिस ने की है उनमें रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब नहीं किए गए हैं, तो ऐसे में आपको लग रहा है कि सच कैसे सामने आएगा? फिर मीडिया बहुत तेज रफ्तार से चलती है, इतनी तेज रफ्तार से पुलिस हमने देखा है नहीं चलती है। लेकिन दूसरी बात, फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है इसके ऊपर है। हमें लगता है कि मुंबई पुलिस का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो उसमें मतलब बाधा क्यों आ रही है, क्योंकि अगर आप देखें बैंक अकाउंट कहाँ पर है, मृत्यु कहाँ पर हुई थी, जिनको नेम किया है मेन अक्यूज वो कहाँ पर है, सब कुछ मुंबई में है। तो अगर ये जांच बिहार, अगर ये न्याय चाहते, अगर बिहार के नेता राजनीतिक रोटी पकाने की बजाय न्याय चाहते तो फिर मुंबई पुलिस के ऊपर प्रेशर डालते और कंप्लेंट्स वगैरह जो भी एविडेंस है उनके सामने लाते और चाहते कि मुंबई पुलिस अच्छी से अच्छे जांच करे। क्योंकि अगर यहाँ कोर्ट में जाएगा, अगर ये बिहार के कोर्ट में जाएगा तो फिर ज्यूरिसडिक्शन को एनफोर्स करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। इस तरीके से ये मतलब ये राजनीतिक मुद्दे पे इस लड़के की मृत्यु को लाना ये बहुत ही गलत बात लग रही है हमें, क्योंकि एक तरफ से और लेट अस बी क्लियर कि राजनीतिक मुद्दा है, सिर्फ ये यही नहीं इसका कारण है कि अभी इलेक्शन आने वाला है, लेकिन ये भी याद रखें आप कि माइग्रेशन बहुत ज्यादा है बिहार से मुंबई के लिए तक। तो अगर ये बिहार गवर्नमेंट दिखाए कि हम कुछ कर रहे हैं और इस मुद्दे पर मतलब ज्यूरिसडिक्शन के मुद्दे पर बहुत, ये माइग्रेशन का इससे क्या तात्पर्य है करुणानंदी जी, इसे आप क्या बताना चाहती हैं? आप डिसएग्री करेंगी लेकिन मैं एक्सप्लेन करती हूँ, हो सकता है आप डिसएग्री करेंगी। बहुत लोग आते हैं बिहार से मुंबई तक काम करने, डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है। इस मुद्दे को लेके एमएनएस ने, राज ठाकरे ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है मुंबई में, और डिस्क्रिमिनेशन होता है बिहारी लड़कों के खिलाफ, लड़कों और लड़कियों के खिलाफ। इसीलिए एमएनएस का चुनावों में हाल क्या हुआ ये बताने की जरूरत तो है नहीं मैम, अगर इस माइग्रेशन के मुद्दे पर एमएनएस का, आपने राज ठाकरे की पार्टी का नाम लिया तो विधानसभा में उनकी स्थिति क्या है यह मुझे बात करने की जरूरत तो नहीं। माइग्रेशन को मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का यह मामला है और क्यों बिहार के लोग वहां जाते हैं, क्योंकि मुंबई और दिल्ली मैम प्लीज ये ऐसे गढ़ है जहां पर काम करने के लिए भारी तादाद में देश के हिस्सों से लोग पहुंचते ही हैं, और दिल्ली और मुंबई सिर्फ यहां के लोगों की वजह से नहीं बनी है, देश के बाकी के लोगों का भी उतना ही योगदान रहा है। मैं एक बार फिर से कह रही हूं सुशांत के मुद्दे पर, रिया चक्रवर्ती की भूमिका कितनी संदिग्ध है, लेकिन अगर न्याय चाहिए, अगर न्याय चाहिए तो फिर न्याय चाहिए तो फिर जिस पुलिस फोर्स के आगे एविडेंस है, जहां पे ज्यूरिसडिक्शन है, अगर वहां पे लड़ा जाए तो बेटर नहीं होगा? नहीं,
यहाँ क्या किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रही है कहाँ पे कौन सी पुलिस फोर्स इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन यहाँ पे केस कौन लड़ रहा है? इन्होंने सबसे देश के एक बहुत ज्यादा वरिष्ठ वकील, जो मतलब सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है पॉसिबली फीस के तौर से, उनको हायर किया है कि ट्रांसफर का मामला लड़ना क्यों? तो न्याय चाहिए या दिखाना है इनको कि न्याय चाहिए, ये दो अलग बातें हैं। इस मामले में मैं बस यही कह रही हूँ कि दो अलग बातें हैं। पूरा देश चाहता है कि इस मैटर में न्याय हो, ठीक है। इस लड़के के साथ जो भी अगर गलत हुआ, ये ढूंढना ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन एक लड़का डायन चुड़ैल वगैरह कहना ये गैर कानूनी ही नहीं, ये जुर्म है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि अगर न्याय चाहिए तो फिर जहां पे वो जांच की जाए और कड़ी तरह से जांच की जाए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है आकाशदीप, मैं तुरंत आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं अतुल भटकालकर जी आपके पास आते हुए, बीजेपी क्यों चाहते हैं कि मामले की जांच सीबीआई से हो? नहीं, हमारी प्रमुख तीन वजह है जिसके कारण हम सीबीआई की जांच इसमें मांग रहे हैं। पहली बात तो मुंबई पुलिस 45 दिन हो गए, ये यदि एक नॉर्मल सुसाइड केस रहती है तो अभी तक उन्होंने ये फाइल क्लोज करने की आवश्यकता थी, लेकिन सुसाइड नॉर्मल नहीं है इसके लिए फाइल क्लोज नहीं की। तो नॉर्मल सुसाइड नहीं है तो एफआईआर भी दर्ज नहीं करवाया, और इसके लिए मुंबई पुलिस के ऊपर कुछ ना कुछ राज्य के सरकार से एक राजनीतिक दबाव बना हुआ है कि इस प्रकार की आप खुली जांच इस विषय की मत करो, इस प्रकार की दबाव राज्य के मुंबई के पुलिस दल के ऊपर है, इस प्रकार की हमको आशंका है। इस प्रकार की चर्चा पूरे मुंबई में और महाराष्ट्र में है कि इसमें जो सही लोग हैं उनको छिपाने का एक घिनौना प्रयास तो चल रहा है। बिहार की अपनी पार्टी को, जो बिहार बीजेपी है, उनसे कहिए, आपके उप मुख्यमंत्री हैं, कि पूरे मामले की सीबीआई जांच से सिफारिश कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के लिए नहीं तैयार है। आप लोग भी नहीं सियासत में कूद पड़े हैं सुशांत के मामले पर? नहीं नहीं, इस हमारे इसमें सियासत की बात का कोई इश्यू आता नहीं है, और हमने बिहार के भारतीय जनता पार्टी को हमने कहने के पहले आपने ये सोचना चाहिए कि महाविकास आघाड़ी सरकार की एक अहम पार्टी है एनसीपी, एनसीपी के उप मुख्यमंत्री है, उनका बेटा बिल्कुल जिसका नाम पार्थ अजीत पवार है, बिल्कुल जो 2019 का लोकसभा चुनाव एनसीपी के टिकट पर अयशस्वी रूप से लड़ा था, उनके ही पार्टी के राज्य में गृह मंत्री है वो पार्थ अजीत पवार, ने 4 दिन पहले ट्वीट करके ये मांग की है कि ये पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होने की आवश्यकता है, बिल्कुल। और उन्होंने नरेंद्र मोदी पीएमओ और होम मिनिस्टर अमित शाह के ऑफिस को इसमें टैग किया है, और इसके लिए इसमें सियासी राजनीति का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सीबीआई जांच ना बिहार और महाराष्ट्र जो डिमांड है वो सिर्फ वो नहीं, सीबीआई जांच होती कैसे है इसको भी समझना होगा। राज्य सरकार अगर केंद्र को सिफारिश करे और केंद्र सरकार उसे स्वीकार कर ले तब सीबीआई जांच होती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की ओर से इस बारे में निर्देशित किया जाए कि इस मामले को आप सीबीआई स्वतः संज्ञान भी किसी केस को लेकर नहीं ले सकती है। तो यही सवाल है, मैं लौटूंगी आपके पास आकाशदीप, हमारे साथ फिल्म निर्देशक जुड़े हुए हैं, उसके बाद सुजय मैं आपके पास तुरंत आती हूं। आकाशदीप जी, लेकिन रिया की भूमिका को, क्योंकि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है और आज तक ने भी खबर दिखाई है कि किस तरह से चाहे उनके ब्यूटी के सामान हो उस पर, उनकी शॉपिंग पर, तमाम चीजों में काफी ज्यादा खर्चा हुआ है, इस वजह से रिया की भूमिका भी संदिग्ध है, लेकिन आप लोग इस पूरे मामले से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी एवरी डे कोई ना कोई नया डिस्क्लोजर आ रहा है, केस कहां से कहां घूम रहा है। पहले तो सबने कहा था कि गलत कॉन्ट्रैक्ट्स और फिल्म बंद होने की वजह से, या कोई फिल्म सोशल ओटीटी प्लेटफॉर्म में आने की वजह से एक्टर दबाव में आ गया था और उसने जान ले ली। आज रिया चक्रवर्ती फोरग्राउंड में आ गई है, और जाहिर सी बात है सुशांत के पिताजी ने अगर एक एफआईआर में कुछ डिटेल्स लिखी है तो इसको तो बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मेरा कहना यह है कि अगर उसकी पर्सनल ब्यूटी का सामान या कोई हॉलीडे ट्रिप या वगैरह वगैरह, देखो ये छोटी बातें हैं, मुद्दा जो मीडिया में आ रहा है, जो हम सुन रहे हैं कि एक दिन में 10 ट्रांजैक्शन में 15 करोड़ रुपए निकाले गए, अगर इसकी जांच हो और ये सच है तो केस में एक पूरा एक अलग पहलू सामने नजर आता है कि ये नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड का बिल पिकअप करता है या बिल भरता है, वो नहीं है, मुद्दा चेंज हो जाता है। रही बात, मैं सारे स्पीकर्स की सुन रहा हूँ कि सीबीआई को दे दो, बिहार को दे दो, मेरी एक ही दरखास्त है सबसे
कि इस तरह की बातें करके आप केस को और डिले करोगे। हर आदमी जल्दी से सच्चाई जानना चाहता है। बॉम्बे मुंबई पुलिस को आप रोकोगे, फिर बिहार पुलिस को दोगे, बिहार पुलिस शुरू से स्टार्ट करेगी, सीबीआई को दोगे वो शुरू से स्टार्ट करेगी। लेकिन 14 जून को सुसाइड हुआ, अभी तक आज तक क्या निकल कर सामने आया? आज 1 अगस्त। लेकिन कानूनी मैं सब समझता हूँ, हम भी चाहते हैं सच्चाई जल्दी बाहर आए, बहुत दुखद घटना है, लेकिन अगर कानूनी 90 दिन एक पुलिस डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं और उसमें से 40-45 दिन हो चुके हैं, 35-40 लोगों को इंटरोगेट कर दिया गया है, भले ही अब हमें लगता है कि कुछ लोगों को फजूल में इंटरोगेट किया गया, जैसे राजीव मसंद के तुमने गलत इंटरव्यू क्यों लिखी या ये वो। अब देखिए, गलत कमेंट्स तो हर बड़े एक्टर से लेके ऊपर से लेके नीचे तक हर एक के बारे में लिखे जाते हैं, लेकिन उन्होंने 90 दिन बाद क्या रिपोर्ट देनी है, हम पहले से जंप क्यों करें? ठीक है, वो सवाल ये पूछा गया था कि क्या आपने किसी भी फिल्म की समीक्षा इस आधार पर की कि किसी का आपके ऊपर दबाव था, इस वजह से भी पूछताछ की गई है आकाशदीप जी, कि अगर हम किसी भी अच्छी फिल्म की समीक्षा गलत तरीके से करते हैं तो क्या आपको कहकर लिखवाया गया था, इस वजह से उनके ऊपर ये आरोप लगे और उनसे पूछताछ हुई? नहीं, आप समझे नहीं, वो बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन उससे अभी सुशांत की डेथ का कनेक्शन नहीं है, ये साफ जाहिर हो रहा है। और अनइक्वल इनइक्वल कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे बॉलीवुड में कोई सुशांत के लिए नहीं बने। मैं भी अगर आज कोई बड़े कंपनी के पास जाऊंगा, पलड़ा उनका भारी होता है। हम एक इंडस्ट्री सिर्फ नाम के लिए है, एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रिलेशन होता है, जिसका पलड़ा भारी है उसके दो क्लॉज उसके फेवर में होते हैं, अगर मुझे फिल्म करनी है मैं करूंगा, नहीं करनी है मैं सॉरी बोलूंगा। आज एक समझ लीजिए कि मुझे करण जोहर बुलाता है डायरेक्ट करने और मैं कहता हूँ एग्रीमेंट में ये 2-3 क्लॉज चेंज कर दो, वो मुझे दरवाजा दिखा देगा, जा भाई जा, तू बाहर जा, तेरे जैसे 50 पड़े। तो ये चीज की वजह से सुशांत की डेथ को लिंक करने के अगेंस्ट मैं बोल रहा हूँ। नहीं, लेकिन देखिए, इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि आप ही के वहां से शेखर कपूर सर फिल्म पानी को लेकर सवाल खड़े हुए, आप ही के वहां से कंगना रनौत जिन्होंने परिवारवाद को लेकर कितने आरोप लगाए, नाम लेकर उनकी ओर से आरोप लगाए गए, तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने ही आकर आरोप लगाए हैं सर, ये मीडिया का किया धरा या क्रिएशन नहीं है, आप ही की इंडस्ट्री के लोगों ने सवाल खड़े किए थे। चित्रा, मैं मीडिया को नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मुझे पानी के बारे में सब कुछ पता है, मैं आपको बता देता हूं, मैं मीडिया को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक फिल्म बन रही थी पानी, इट वाज गोइंग टू बी अ वेरी बिग फिल्म, बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी, शेखर कपूर जैसे इंटरनेशनली रेनाउंड डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाले थे और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस यशराज उसे प्रोड्यूस करने वाला था। उससे पहले पानी एक दो और प्रोड्यूसरों के पास थी, मनमोहन शेट्टी जी के पास, इधर उधर, नहीं बन पाई। फाइनली आदित्य चोपड़ा ने बोला कि चलो हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, आई एम श्योर इट मस्ट बहुत कंप्यूटर ग्राफिक्स के फ्यूचर में पानी खत्म हो जाएगा दुनिया में, तो अगला वर्ल्ड वॉर पानी पर होगा, तो सीजी कंप्यूटर ग्राफिक्स महंगी फिल्म। सुशांत ने 10 महीने से ज्यादा का वक्त दिया था, उसने खुद को तैयार किया था ताकि वो इस फिल्म के साथ जस्टिस कर पाए। मैं उस पर नहीं जाना चाहती, मैं लौट कर फिर आ जाती हूँ, क्योंकि रिया चक्रवर्ती इसमें एक चित्रा मुझे फिनिश करने दो 10 सेकंड। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, क्रिएटिव डिफरेंस हो गए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में उस दौरान, क्योंकि पानी के लिए सुशांत की डेटें थी, उसको शायद संजय लीला बंसाली की फिल्म छोड़नी पड़ी क्योंकि उसने पानी को कमिटमेंट दी थी, वो फिल्म नहीं बन पाई, अफसोस की बात है, क्रिएटिव डिफरेंसेस बिटवीन प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उसका उसको सुशांत के करियर को डेफिनेटली असर पड़ा है, उस बात के लिए सुशांत का शेखर के कंधे पर रोना जायज है। एक तो वो फिल्म नहीं बन पाई और उस फिल्म के चक्कर में संजय लीला जैसा महान डायरेक्टर की फिल्म का जो चांस मिल रहा था सुशांत को, तो लेकिन वो नहीं कर पाया। था जब आप ही की इंडस्ट्री से इस तरह के सवाल उठेंगे तो जाहिर है कि मामले की जांच की जाएगी और उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी जो उससे संबंध है, लेकिन अगर परिवार की ओर से रिया चक्रवर्ती की भूमिका को लेकर क्वेश्चन किया गया है और उस पर महाराष्ट्र बनाम बिहार हो रहा है तो उस पर भी सवाल उठेंगे। मैं सीधे सुजय कांटेवाला आपके पास आना चाहूंगी, ये मामला किस रूप में आगे बढ़ते हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर रिया चक्रवर्ती की भूमिका अचानक, क्योंकि एक तरफ नेपोटिज्म को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई थी, अचानक से ही परिवार ने जब भारी लेन देन के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवा दिया और यह कहा कि मुंबई पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है, बिहार पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही, तो बिहार पुलिस वो जांच कर रही है और मुंबई पुलिस सहयोग देने को तैयार नहीं है। इन सबके बीच रिया से अभी बिहार पुलिस ने पूछताछ भी नहीं की है, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी बाकी है। सुजय ने बराबर इसमें 2-3 एंगल्स है, मैंने आकाशदीप करुणा सबको सुना। देखिए, मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट को,
कि ये कैसे आगे इसको प्रोसीड करना है। पर मुझे एक ही दुख है कि सुशांत को कभी जस्टिस मिलेगा, सुशांत को कभी न्याय मिलेगा। यही इस कटल में कि मैं ये इन्वेस्टिगेट हो रहा है, बिहार वाले कर रहे हैं, मुंबई वाले कर रहे हैं, कब तक ऐसे चलेगा? जो वाइटल एविडेंसेस है वो उन्होंने कलेक्ट कर दिए हैं कि नहीं? और कहीं कोई इको टसल में सुशांत को इनजस्टिस ना हो, मुझे वही डर है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, आकाश जी ने कहा 90 दिन में चार्जशीट करने का कोई प्रयोजन नहीं है लॉ में, टीआरपीसी में। हाँ, अगर कोई अरेस्ट हुआ है और अगर चार्जशीट 90 दिन में फाइल नहीं की, वो भी ऑफेंस जो 10 ईयर प्लस वाला है उसमें, तो उसको बेल मिल सकती है। उसमें 60 डेज और 90 डेज दो के अलग अलग कैटेगरी है, तो ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है कि चार्जशीट 90 दिन में फाइल करनी चाहिए। तो मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता था आपके व्यूअर्स के पास। मेरे को एक और चीज कहनी है कि यहाँ पे मैं मुंबई में रहता हूँ और मुंबई में यूपी से जो लोग हमारे भाई या बहन आते हैं काम करने, और बिहार से और ओडिशा कहीं से भी, कोई डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं। मेरे घर में काम करते, मेरे ऑफिस में काम करते, मेरे फार्म में काम, मेरे दोस्तों के वहाँ, मेरे बिल्डिंग में काम करते हैं, वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ पे सब खुश है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुक था उसका, जो उसके आगे पीछे रहते थे, उसका बॉडीगार्ड, उसके डॉक्टर्स, उसका लिव इन जो फ्रेंड था, उसका जिम ट्रेनर था, उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब की गवाहियां सेक्शन 164 में तुरंत उसका स्टेटमेंट लेना चाहिए, ताकि वो एक कॉन्क्रीट प्रूफ बनना चाहिए। बट प्रॉब्लम यही आ रहा है कि FIR एक ही है, वो पटना में फाइल हुई। बिल्कुल, यहाँ पे तो सिर्फ एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट था जो मुंबई पुलिस इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो ये बहुत ही महत्व की बात है कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या कहेगा। अगर बिहार, अगर कोई एसटीएफ फॉर्म करनी है जो डेडिकेटेड हो, सीबीआई को देना है, जो भी हो जल्दी करो। सुशांत को इंसाफ मिलना ही चाहिए और ये ही एक प्रेसिडेंट बनेगा फ्यूचर ऐसे कोई केसेस हुए तो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, जो भी करो वो जल्दी करो, और देश भी यही चाहता है। लेकिन जल्दी होगा कैसे? 14 जून का ये पूरा का पूरा मामला, आज हम 1 अगस्त पर बैठे हुए हैं। टसल यहां पर बिहार और महाराष्ट्र की अलग से शुरू हो गई है, लेकिन जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है और सहयोग आपस में क्यों नहीं किया जा रहा है? जय जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी और उसके बाद तुरंत पीके जैन साहब, मैं आपके पास लौटूंगी। सवाल बड़ा यही है, आप ही लोग थोड़ा झुककर महाराष्ट्र पुलिस से कहिए कि आप हमारा सहयोग कीजिए। बिहार का बेटा बार बार जो आप लोग कह रहे हैं, तो इस बार अगर कोई रूल्स रेगुलेशन है उसका, उसको फॉलो किए बिना अगर आप सीधे महाराष्ट्र मुंबई पहुंचकर, जैसा कि पीके जैन जी आरोप लगा रहे थे, वहां पर अचानक से जांच शुरू करेंगे और बाद में ये आरोप लगाएंगे कि मुंबई पुलिस आपका सहयोग नहीं कर रही है, वो आपका सहयोग क्यों करेगी जब आपकी ओर से खुद उससे सहयोग नहीं मांगा जाएगा? हेलो जी, जय जी, आपसे ही सवाल है। चित्रा जी जी, अच्छा ये चीजें प्रारंभ में जो अभी महानुभाव बताए, मुंबई पुलिस की ये जो जांच की जो तरीका था, यदि उससे उनके परिजन संतुष्ट हो गए होते, क्यों बिहार सरकार के दरवाजा खटखटाते? पहली चीज। दूसरी की एक सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि यदि कोई कंस्पिरेसी दिख रही है, एक सुसाइडल ही केस माना जाए, तो इसके पीछे कोई क्या रहस्य है? तो प्रारंभिक दौर में उसका नौकर कौन है, उसके यहाँ डेली काम करने वाला कौन व्यक्ति है, कौन इसके कांटेक्ट में रहता है, सबसे पहले जांच वहीं से प्रारंभ होनी चाहिए। और ये पूरी जो लाखों करोड़ों लोग जो जानना चाहते थे देश का, इसको मुंबई पुलिस को बताने की आवश्यकता थी कि हमने रिया चक्रवर्ती से पूछा, उसके नौकर से पूछा, उसका बाउंसर से पूछा, ये बातें यदि आई होती तो उनके परिवार भी मेरे ख्याल से संतुष्ट हो गए होते। ठीक है, देखिए आप दोनों, आप चित्रा जी, आप दोनों की जांच की आप तरीका देख लीजिए। हमारे यहाँ केस हुआ, हमारे यहाँ के पुलिस कोई हाई लेवल के और हाई प्रोफाइल के लोगों को नहीं किया, कोई ब्लैक व्हाइट कॉलर को नहीं पकड़ा। उसकी बेसिक जांच थी कि भाई उसके घर के नौकर कौन है, उसके यहाँ डॉक्टर कौन जो कह रहा था कि उसकी मानसिक दृष्टिकोण से उसको तबीयत खराब थी, उसको जानना चाहा, रिया चक्रवर्ती से जानना चाहा, रिया चक्रवर्ती नहीं मिली, और इसी सहयोग के लिए हमारे पुलिस वहाँ के एसीपी से मुलाकात किए, रिया चक्रवर्ती नहीं मिली, निवेदन किए, क्या वो बिहार पुलिस को सहयोग नहीं कर रही है? मेरी जांच की तरीका,
नहीं नहीं, देखिए रिया चक्रवर्ती के लिए ही वो पूछताछ के लिए पुलिस वहां टीम संपर्क करने का प्रयास की, कोई संपर्क नहीं हुआ, और संपर्क में यदि सहयोग महाराष्ट्र पुलिस करती है तो निश्चित तौर पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा सकती है, और रिया चक्रवर्ती के पूछताछ के बाद कोई ना कोई फलाफल जरूर निकलेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र पुलिस से और महाराष्ट्र की सरकार से कि इसमें कोई प्रेस्टीज इशू बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम दोनों आदमी का नैतिक कर्तव्य है सुशांत का न्याय दिलाना, उनके परिजनों को संतुष्ट करना। यदि हम न्यायिक प्रक्रिया में और प्रणाली में यदि संतुष्ट नहीं कर पाते हैं है। तो कैसे प्रश्न जयकुमार सिंह जी, अब जबकि मुंबई पुलिस आपको सहयोग नहीं कर रही है, हमें रिया चक्रवर्ती आपको सहयोग नहीं कर रही है, जानते हैं कि हमें न्याय देना है। बिहार पुलिस का किसी भी तरह से कोई संपर्क रिया चक्रवर्ती से हो नहीं पाया है और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR पटना में दर्ज हुई है, तो फिर मामला और जो जांच चल रही है वो आगे कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं, वो आगे बढ़ेगा। हम तो यही कहेंगे कि यदि महाराष्ट्र पुलिस यदि हमको नई सहायता करेगी और उनके परिजन यदि बिहार में फिर मुख्यमंत्री के दरवाजा खटखटाएंगे तो हम सरकार होने के नाते और सरकार के मुखिया होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री ने जरूर है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह कर सकते हैं। लेकिन अभी भी माननीय मुख्यमंत्री बहुत शालीन और हमेशा 15 साल से हमारी सरकार रही है, हम हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की स्वतंत्रता दिए हैं, हमारी इंटरफेरेंस नहीं होती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि महाराष्ट्र पुलिस अभी भी सहयोग की भूमिका में आए, और यदि सहयोग करती है तो रिया चक्रवर्ती क्या, बड़े बड़े डॉन और मास्टरमाइंड भी पकड़े जाते हैं बॉम्बे के पुलिस पर, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूँ, सिर्फ इसमें दृढ़तापूर्वक संकल्प होकर के यदि काम करेंगे तो सुशांत के परिजनों की संतुष्टि मिलेगी, लाखों करोड़ों नौजवान जो पुलिस पुलिस के आपस टकराव का मामला के बारे में जानना चाहते हैं पूरी जांच को सही दिशा दे नहीं रहा है। ऐसे में आप चाहते हैं सुशांत उनके परिवार को न्याय मिले, क्या CBI जांच की सिफारिश की जा सकती है राज्य सरकार की ओर से जल्दी से? सर चित्रा जी टसल बिल्कुल, यदि ये नहीं होगा, उनके परिजन को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनके परिजन यदि CBI की जांच की मांग करते हैं बिहार में मुखिया से तो इनके अनुशंसा की जाएगी। ठीक है, CBI जांच की अनुशंसा तब की जाएगी जब परिजन की ओर से इस बारे में डिमांड की जाएगी। PK जैन साहब, आपने सुन लिया है जयकुमार सिंह जी जो की मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से सीधे तौर पर कहा गया कि हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुंबई पुलिस से कि मदद कीजिए, न मुंबई पुलिस मदद कर रही है न रिया चक्रवर्ती की ओर से मदद की जा रही है पूरे, ताकि पूरे मामले को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। और वहीं रिया चक्रवर्ती दूसरी तरफ सत्यमेव जयते कहते हुए वीडियो वायरल करती हैं। देखिए मुंबई पुलिस का जो स्टैंड उन्होंने लिया है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, 5 तारीख को उसका निर्णय हो जाएगा, उसके बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देती है कि ये मामला बिहार की पुलिस इसको कंटिन्यू करेगी तो सारे डॉक्यूमेंट देने ही पड़ेंगे, कोर्ट का आदेश हो जाएगा। तो इसलिए और दूसरी बात यह कि अगर ये कागज पत्र ये 0 नंबर की FIR दाखिल करके मुंबई भेज भी दी जाती, इससे पहले भी बहुत सारे केसेस है जहां पे मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री स्तर पे और DGP से DGP के स्तर पे इस तरह की रिक्वेस्ट की जाती है कि इस केस में आप जरा ध्यान देके इसकी जांच करवाइए। ये तो पहली बार नहीं है कि क्रॉस कंट्री या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आके किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, इसलिए बड़ा सिंपल सा वो था, लेकिन उसको एक इस तरह की दिशा दे दी गई, एक FIR अलग से दाखिल कर दी गई जबकि ये मालूम था कि ऑलरेडी एक एरिया मुंबई पुलिस के पास में दाखिल है। तो अभी थोड़ा सा पेच निर्माण हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 5-6 दिनों में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा ये चीज क्लियर हो जाएगी और फिर जांच की दिशा दोनों पुलिस अगर आते हैं, कहा जाता है कि बिहार की पुलिस चालू रखेगी इस इन्वेस्टिगेशन को, तो दोनों पुलिस अभी अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगी, 5 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, निर्भर करेगा तब तक दोनों ही राज्यों की पुलिस क्या करेंगी, अपनी अपनी जांच करते रहेंगे, जितनी उनके पास में उनकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है वो उसकी जांच करते रहेंगे और जैसे कोई आदेश आता है उसी आदेश के हिसाब से कागजों का आदान प्रदान हो जाएगा उसके बाद ही। लेकिन अगर मान लीजिए बिहार पुलिस की ओर से एक पूरी की टीम पूरी पहुंची हुई है मुंबई में, तो क्या मुंबई पुलिस का ये दायित्व नहीं बनता है कि अगर बिहार से उतनी दूर से आकर मामले की जांच के लिए वो भी तब जब FIR पटना में दर्ज हुई है, मुंबई में तो FIR भी दर्ज नहीं हुई है, तो मुंबई पुलिस सहयोग करे ताकि कम से कम न्याय तो मिले परिवार को? सर क्योंकि इसमें ऐसा रहता है कि अगर दोनों जगह पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती हैं उसमें कोई भी अगर तफावत आती है कोई डिफरेंसेस हैं तो उसका जो फायदा है वो होने वाले एक्यूज को मिलता है। अभी उसमें चक्रवर्ती अगर दोनों स्टेटमेंट अलग अलग तरह की हो गई
उसमें कोई डिफरेंसेस हो गए, तो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। दोनों पुलिस को एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन मुंबई पुलिस की भी अपनी साख का प्रश्न है। उनको लगता है कि जब हम एक चीज का सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उसमें ऑफेंस दाखिल नहीं होना चाहिए था, वो कागज हमारे पास में आना चाहिए था। फिर सरकार की भूमिका ऐसी है कि हम सीबीआई को नहीं देंगे, ये उनका प्रेरोगेटिव है सरकार का, कि दें या ना दें। अब सिर्फ मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो जांच सीबीआई को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। बिहार सरकार क्या मांग करेगी, केंद्र सरकार उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, सारी समय में पता चलेंगी। लेकिन क्योंकि एक अलग जगह पे वही चीजें मुंबई पुलिस के संज्ञान में न लाते हुए बिहार पुलिस ने एफआईआर दाखिल की गई, इसलिए मुझे लगता है कि उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है जो अगले आने वाले कुछ दिनों में सुलझ जाएगा। स्वाति आनंद, सीधे आपके पास रुख करते हुए, आप भी अभिनेत्री हैं, मैं जानना चाहूंगी आपको नहीं लगता है कि कम से कम बिहार पुलिस की टीम में आ रही हूं आकाश आपके पास, अगर वहां पर पहुंची हुई है तो कम से कम रिया चक्रवर्ती जो खुद को बेगुनाह बता रही हैं, सत्यमेव जयते कहती हैं, वीडियो वायरल करती हैं, बोलती हैं सच की अंततः जीत ही होगी, तो जब खुद पर भरोसा है कि हमने कुछ नहीं किया तो फिर बिहार पुलिस का सामना करने के लिए रिया चक्रवर्ती तैयार क्यों नहीं है? पुलिस उनसे संपर्क करने के लिए मुंबई में है, वो बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। यही तो क्वेश्चन है मैम, यही हम भी पूछना चाह रहे हैं कि क्यों सहयोग नहीं कर रही है। इट मींस दाल में कुछ काला है, और आप उसी वक्त क्यों वो वीडियो अपना सोशल मीडिया पे डाल रही हैं जब बिहार पुलिस यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है? आपने 45 डेज पहले ये वीडियो क्यों नहीं डाला? आप जब आप उनके पिताजी के ऊपर ये सवाल कर रहे हैं लोग कि उन्होंने एफआईआर इतने समय बाद क्यों दर्ज की, तो मैं अब रिया चक्रवर्ती से ये पूछना चाहूंगी कि उन्होंने ये बात पहले क्यों नहीं कही कि जल्दी से जांच हो और सत्यमेव जयते, सच्चाई सबके सामने आए। वो 45 दिन बाद क्यों ये वीडियो अपना डाल रही है सोशल मीडिया पर? लेकिन 16 जुलाई क्योंकि उन्हें ये पता चला कि उनके ऊपर उंगली उठ रही है, तो वो अपना बचाव कर रही है। एक महीने के बाद उन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी अपने ट्विटर अकाउंट से गृह मंत्री को टैग करते हुए। नहीं पर मैम, ये उन्होंने किया, लेकिन वो क्यों बिहार पुलिस के सामने नहीं आ रही? सवाल 15 करोड़ करुणानंदी जी, क्यों बिहार पुलिस के सामने नहीं आ रही है? बिहार पुलिस के सामने आकर क्यों नहीं आ रही है रिया चक्रवर्ती? और अगर उनको अपने ऊपर भरोसा है कि मेरी कोई गलती इस पूरे मामले पर नहीं है तो, और सच दुनिया के सामने आएगा। नहीं, और मेरा ये भी मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जो भी पुलिस, चाहे वो मुंबई की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे मामला सीबीआई में जाए, सच्चाई जल्द से जल्द सबके सामने आए, मेरी ये रिक्वेस्ट है। और इस मामले को पॉलिटिकल मामला ना बनाएं, ये एक भावनात्मक मामला है और उसी तरह इसका सॉल्यूशन सारी न्याय प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। एक बार करुणा नंदी की बात हो जाए, करुणा जी। चित्रा जी, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, पहली बात तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुंबई पुलिस के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, बिहार पुलिस के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, सीए ने बोला है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोला है फॉर एग्जांपल कि इतने पैसे कुछ ट्रांसफर हुए ही नहीं है, कि ये जो आशंका है वो मतलब कुछ गलत बात बताई गई है फैमिली को, तो ये बहुत क्लियर सब लोगों को मालूम होना चाहिए, आपके दर्शकों को और आपको भी, कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है वो मीडिया के सामने पूरा होता नहीं है। और ये इसका रीजन भी होता है क्योंकि सबको, अगर ये पूरी ट्रांसपेरेंसी से इन्वेस्टिगेशन हो तो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल खराब हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन एक किसी रीजन के लिए कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। ये सिलेक्टिव लीक्स जो है, कभी मुंबई पुलिस की तरफ से, कभी बिहार पुलिस की तरफ से, इसी इंफॉर्मेशन पे आप जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि सीए ने भी जो मैंने अभी बोला वो खुल्लम खुल्ला बोला है। दूसरी चीज की एक और फ्रेंड ने बोला था कि कोई प्रेशर आया था कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ एविडेंस देना है। तो बेसिकली बात यह है कि जांच होनी चाहिए, केयरफुल जांच होनी चाहिए, इशू प्री जज नहीं होना चाहिए, और हमें यहाँ बैठ के यहाँ पे जज नहीं करना चाहिए, बस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसको राजनीति। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर देश की जनभावना इस रूप में है कि सुशांत की जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़े, और उसमें चाहे परिवारवाद की बात जो पहले उठी थी या फिर परिवार की ओर से रिया चक्रवर्ती की भूमिका को लेकर जो सवाल पूछे गए हैं, अगर सुशांत सिंह राजपूत एक सिर्फ व्यक्ति नहीं थे, वो इस देश की एक बड़ी आबादी के हीरो भी थे, और उस शख्स ने किन परिस्थितियों में सुसाइड किया, ये सच देश के सामने आना ही चाहिए। और इसी के साथ ये जिम्मेदारी दोनों ही राज्यों की, चाहे वो बिहार या फिर महाराष्ट्र, दोनों ही राज्यों की जिम्मेदारी है कि आपस में सहयोग से काम करें ताकि इस पूरे मामले का सच देश के सामने एक कम समय के भीतर आ सके।